हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो मैं आपको दिखा रही हूँ आज जो मेरी मम्मी ने मुझे सूट दिलाए हैं, मैं वो लेके आई हूँ बाज़ार से। और मैं बहुत ज़्यादा पजल हूँ क्योंकि सारे कलर एक से एक हैं और सेम, मतलब पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर अलग अलग हैं। तो मम्मी ने मुझे दो सूट दिलाए हैं तो वही मैं आपको दिखाऊंगी। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कौन सा कलर लूँ, क्योंकि मुझ पे तीनों कलर अच्छे लग रहे हैं और तीनों ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना एक ही पैटर्न के से तीन जैसे सूट ले लें, लेकिन उसको देख रही हूँ तो वो अच्छा लग रहा है, उसको देख रही हूँ वो अच्छा लग रहा है, तो मैं पागल सी हो रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करना और आप मेरे ये सूट देखो। एक मिनट, ले ये वाला। ये लाइनिंग वाले सूट हैं और ये देखिए, ये है कुछ इस तरह का। नीचे भी ना देखो, यहाँ से ये ऐसा है जैसे बनारसी साड़ी होती है ना, उसमें जो वर्क होता है ये उस तरह से है। गोल्डन कलर का वर्क है इस पर और ये इसका नेक है और नीचे से ये ऐसे इसका बॉटम है। तो ये कुछ, इसको मोंगिया कलर बोलते हैं, ग्रीन नहीं है, मोंगिया कलर है। तो एक तो ये हो गया और इस पर, और इसकी बॉटम भी ऐसी है और ये इसका दुपट्टा है। देखिए ये है इसका, तो एक ये हो गया। मतलब मैं तीनों ले आई हूँ शॉप से, जो समझ जो मतलब फाइनल हो जाएगा वो रख लेंगे। और मम्मी भी कह रही थी कि हम भी ले लेंगे और भाभी भी कह रही थी तो वो ले लेंगी। तो वो कह रही कि दीदी पहले आप सिलेक्ट कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप पहले वो ले लो, फिर दूसरे हम अपने आप ले लेंगे। तो ये हो गया एक, और एक ये हो गया ये मर्जेंटा कलर है, मतलब गुलाबी सा कलर है, मर्जेंटा कलर इसको बोलते हैं। इसमें वीडियो में रेड आ रहा है, मर्जेंटा कलर है ये। ये भी सेम पैटर्न है, बस इसमें थोड़ा सा वर्क नेक पे ज़्यादा है और नीचे से तो वहाँ से नीचे से तो सेम ही है। ये नीचे से तो सेम ही है, बस यहाँ पर थोड़ा अलग है। ये मर्जेंटा कलर है और इसका भी बॉटम यही है और दुपट्टा ये, ठीक है। और अब फाइनली एक और दिखाती हूँ, ये है वाइन कलर और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी सेम पैटर्न है, जो मर्जेंटा वाला है उसका सेम पैटर्न है ये और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा ही वाला आपको मैं डाल के दिखाती हूँ। ये तो फ्रेंड्स बताइए, ये भी मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ना बहुत ज़्यादा पजल हूँ। इसमें एक येलो कलर भी था, येलो कलर भी हल्दी वाला जो कलर होता है ना वो है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो येलो कलर तो मैं नहीं लेके आई, लेकिन ये तीनों वाले लेके आई हूँ और इनमें मैं बहुत ज़्यादा पजल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक मेरी ये मुझे मेरी भाभी ने दिया है। तो मैं सोच रही हूँ एक कलर तो मुझे ये हो गया है वाइन कलर, अब मैं वो वाला वाइन लूँ या ना लूँ, क्योंकि वो अपनी जगह है ये अपनी जगह है, लेकिन दोनों पहनने मुझे ही हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए कि मैं कौन सा सूट लूँ और कौन सा ना लूँ इन तीनों में से। ये वाला तो मेरे पास ही रहेगा, ये वाला। और भाभी मुझे ना जो एक ये साड़ी,
ये भी वाइन कलर ही है, ये भी वाइन कलर ही है यार। कह रही है दीदी आपको अच्छी लगे तो आप ले लो, लेकिन ये वाइन कलर है ना ये भी। तो यार साड़ी साड़ी वाइन कलर की हो गई है, और सूट भी वाइन कलर का। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आज ही बता देना ताकि मैं इसमें से सिलेक्ट कर सकूं और मैं अपने घर जा सकूं सिलेक्ट एक सूट लेके ना। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मैं आपका वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। बाय बाय।